तो दोस्तों आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको यही नहीं पता चलता है कि कहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या किसके साथ हमें कैसे अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्थान पर यूज करना है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने सेंटेंस को बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो देखिए, उससे पहले आपको वर्ब को समझने की जरूरत है। देखिए, वर्ब को वैसे तो कई भागों में बांटा गया है, तो देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि इनको एक्शन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, और इसी तरह से इन सब को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो हर किसी का अपना एक अलग सेंस है, हर किसी का अपना एक अलग रूल है, और इनको अलग अलग सेंटेंसेस के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कहां कहां पर यूज करना है, ये सब भी सबको पता होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको जो हम आज की वीडियो में देखेंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दो तरह की, यानी कि जो दो तरह की वर्ब होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। कोई भी सेंटेंस बनाओ, चाहे आपको कोई भी वर्ब याद हो या ना हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यदि आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा दिया सब्जेक्ट के साथ, तो आपका सेंटेंस 100% करेक्ट निकलेगा। अब देखिए, मेन वर्ब कौन सी होती हैं, जिनमें आप एक्शन करते हैं, जिनमें आप कोई कार्य करते हैं, जैसे कि प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। जब आप खेलते हैं मतलब कोई एक्शन कर रहे हैं। सिंग यानी कि गाना, वॉच यानी कि देखना, रन यानी कि भागना, स्लीप यानी कि सोना, मतलब जब आप कोई फिजिकल रूप से कार्य करते हैं उन्हें आप मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब कहते हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज एम आर, हैज हैव हैड, वाज वर, शुड वुड कुड हैज हैव बीन, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं, जो आपके सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं। अब यहां पर मैंने शुड वुड कुड इस तरह के जो मॉडल वर्ब है इनको भी लगा दिया है, क्योंकि कहीं पर हेल्पिंग वर्ब तो कहीं पर मॉडल वर्ब आएगा, दोनों में से एक ही। अब देखिए किस तरह से हम इनको कहां पर कैसे कैसे यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब यहां पर देखिए बिल्कुल बेसिक में आपको दिख रहा है गो, उसके नीचे लिखा हुआ है बेस फॉर्म के नीचे गो और वर्क। अब इनकी ही ये पांच फॉर्म है, कुछ बच्चे तीन तक जानते हैं, लेकिन आप ये बात और जान लीजिए, इसके बाद जो आप किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वैसे तो आप यूं ही बोल देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन आप इसमें वी फोर भी लिख सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इस तरह से भी आप इनको लिख सकते हैं। तो गो की जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इस तरह से आपने गोइंग भी सुना होगा और गोज भी, लेकिन अब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कहां पर गोइंग कौन सी फॉर्म है। इसी तरह से नीचे वर्क लिखा हुआ है, इसमें भी आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी फॉर्म कैसे है। तो ये जो वर्ब की पांच फॉर्म होती है इनका यूज देखिए कैसे कैसे करेंगे। जो फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए और फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इकलौती ऐसी फॉर्म है जिसका यूज सिर्फ एक टेंस में होगा, पास्ट के इंडेफिनेट में। उसके अलावा जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका यूज होगा परफेक्ट टेंस में, और जब आप मॉडल के साथ हैव लगाओगे, परफेक्ट टेंस में और मॉडल के साथ हैव लगाओगे, तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसमें आपको कंटिन्यूअस का यूज करना है। जब भी आप कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस बनाओगे, कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस बनाओगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या फिर कोई भी कंटिन्यूटी का कार्य हो, चाहे वो मॉडल वर्ब में हो या टेंसेज में हो, तब आपको वर्ब के साथ फिफ्थ फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी के साथ यूज करना है। और जो फिफ्थ है वो यूज होगी किसके साथ, प्रेजेंट के इंडेफिनेट के साथ। तो जो ये फिफ्थ फॉर्म है ना, ये ज्यादातर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होती है, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम टेंस हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। देखिए टेंसेज में आते हैं हैज, हैव, हैड,
विल हैव, ये जो तीन आपको दिख रही हैं ये होती हैं आपकी परफेक्ट टेंस में, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में। तो इन सब के साथ आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी आपको सिंपल हैज हैव हैड विल हैव इस तरह दिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है आई हैव गॉन, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैड गॉन। तो देखिए गो है उसकी थर्ड फॉर्म गॉन का यूज किया गया है, चाहे आप हैव लिखें चाहे आप हैड लिखें। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर परचेज कर लीजिए। और एक अच्छी खुशखबरी यह है कि जो हमारा ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इसमें कवर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी उसमें से हमने हैज हैव हैड विल हैव इनको देख लिया था, लेकिन जब इनके साथ बीन लगेगा जैसे कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, तब क्या होगा? तब इनके साथ हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ कैसे यूज करेंगे? जब आपको इनके साथ बीन दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी पैसिव की तरह यूज की गई है, पैसिव की तरह, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना, तो पैसिव वॉइस की तरह दिखेंगी। जब भी आपको हैज हैव के साथ बीन दिखे, हैड के साथ बीन दिखे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो मतलब वो पैसिव वॉइस है। देखिए, और यदि इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी मिलेगी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी किस में यूज हुई है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं ना, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर, ऐसे आप यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें समझना है। अब देखिए, अभी बोल लीजिए आई हैव हैड। अब चाहे आप हैव लगाओ चाहे हैड लगाओ, यदि प्रेजेंट में बोलना है तो हैव लगाएंगे, जैसे कि आई हैव बीन, आई हैव बीन आस्क्ड। अब ये प्रेजेंट में बोला है पैसिव वॉइस में, मतलब मुझे पूछा गया था, मुझे पूछा गया है, इस तरह से। और यदि आपको हैव नहीं लगाना, हैड लगाना है, पास्ट में बोलना है, तब भी इसके साथ आस्क्ड लग जाएगा और आस्किंग भी लग जाएगा यदि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट देखिए, अब हम यदि इज, एम, आर और वाज पर इनका यूज करते हैं कहीं पर भी तो ये हमें क्या दिखाते हैं? ये हमें किसी की अवस्था को दिखाते हैं, या तो उसमें वर्ब होगी या वर्ब नहीं होगी। यदि उसमें वर्ब है तो वर्ब के साथ आईएनजी जरूर आएगी, ये बात आपको याद रखनी है, वर्ब के साथ आईएनजी। क्योंकि यदि इनके साथ हम सिंपल सेंटेंसेस को बनाएंगे तब तो आपकी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आएगी, लेकिन जब आपको ये कंटिन्यूटी को दिखाएंगे, कंटिन्यूटी को, जैसे इज एम आर कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं, कौन से कंटिन्यूस में? प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। तो वहां पर ये कंटिन्यूटी को दिखाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैंने अभी आपको पहले बताया था। और वाज वर आपकी पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, जैसे कि वह खेल रहा था, खेल रहा था यानी कि पास्ट में किसी कार्य को कंटिन्यूटी में कर रहा था, मतलब कंटिन्यूअस कर रहा था। तो कैसे बोलोगे? ही वाज प्लेइंग, यदि प्रेजेंट के लिए बोलना है तो ही इज प्लेइंग, इस तरह से। देखिए आई एम वॉचिंग, मतलब मैं देख रहा हूं। और यदि पास्ट के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था, इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। तो समझ में आया कुछ? तो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब को, मॉडल का किस तरह से यूज करेंगे। देखिए मॉडल में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड और यूज्ड टू, इसके अलावा और भी कुछ रह गए हैं। तो कोई भी मॉडल वर्ब क्यों ना हो, ये हो या इनके अलावा कोई और क्यों ना हो, उन सब में आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब ये सब सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, कोई इनमें जो है आपको बाउंडेशन नहीं है कि इसके साथ इसको यूज करना है, ये सब सब्जेक्ट के साथ यूज होता हो जाती हैं और इनमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए वी शुड गो, वी शुड गो, तो देखिए वी आपका प्लूरल है लेकिन उसके साथ भी शुड हमने लगा दिया और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट। तो सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां पर आप शुड को बदल के कुछ भी लिख सकते हैं, वी कैन गो, वी कुड गो, वी मे गो, माइट गो, वी वुड गो, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, सबके साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन अब इसका एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। देखिए, अब जैसे आपकी जो मॉडल वर्ब है, अब कोई भी हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल के लिए चार ले लिए, इनके साथ यदि हैव आए, हैव जैसे कि वुड हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, इस तरह से देखते हो ना आप, जब इनके साथ इस तरह से हैव लग के आता है तो ये हमें पास्ट मॉडल की तरह सेंस निकालेंगी, पास्ट की तरह, और इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगेगा तो इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, इन सब के साथ जब भी वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। देखिए, वी कुड हैव प्लेड, अब देखिए प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, यहां पर थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दिया है। अब यहां पर आप कुड को चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वी वुड हैव प्लेड, वी शुड हैव प्लेड, वी कैन हैव प्लेड, वी कुड हैव प्लेड, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका सेंस चेंज होता रहेगा। अब जैसे शुड का मतलब होता है चाहिए था, अब मैं बोलने लगूं वी शुड हैव प्लेड तो इसका मतलब है मुझे खेलना चाहिए था, पास्ट में बता रहा है ना। लेकिन जब आप इसका यूज करेंगे वुड के साथ, वी वुड हैव प्लेड, इसका मतलब है हम खेल चुके होंगे, अभी प्रेजेंट में खत्म कर चुके होंगे किसी कार्य को। और यदि कंडीशनल सेंटेंसेस में बोलेंगे तो इसका अलग सेंस निकलेगा। इस तरह से आपको इन मॉडल वर्ब को देखना है। तो चलिए एक रूल और देखते हैं मॉडल वर्ब का। यदि हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, चाहे वो मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, कुड, कुछ भी क्यों ना हो, इनके साथ यदि हैव टू लगाएंगे, जैसे कि मे हैव टू, माइट हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू, जब भी इनके साथ हैव टू आए तब उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, यदि मॉडल वर्ब के साथ सिंपल हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन इसके बाद यदि टू भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस तरह से आपको समझना है। देखिए, वी शुड हैव टू आस्क, इसका मतलब है हमें पूछना ही चाहिए। वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन आज मैं आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब को क्लियर करा रहा हूं, तो किसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी। यदि यहां पर शुड के स्थान पर वी कुड हैव टू आस्क या फिर वुड हैव टू आस्क, मे हैव टू आस्क, कुछ भी लिखें, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस तरह से आपको इस वाले स्ट्रक्चर को समझना है। तो देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। यदि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इन मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन आए, हैव बीन, जब भी इनके साथ हैव बीन आएगा तो इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, इनके साथ वर्ब की यूज होगी फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, और इसे यदि आप बोलना चाहें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आपको यूज करना है। देखिए, वी वुड हैव बीन प्लेइंग, वी वुड हैव बीन प्लेइंग, इस तरह से। तो प्ले में मैंने यहां पर आईएनजी लगा दिया है, प्लेइंग। अब इसके स्थान पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग, गोइंग, कमिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, सबके साथ आईएनजी लगेगी और ये स्ट्रक्चर जो है सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। अब देखिए, अभी अभी हमने इन जो आपकी टाइप्स ऑफ वर्ब हैं इन सबको देखा है, एक्शन वर्ब को देख लिया और मॉडल वर्ब को देख लिया, ऑक्सिलरी वर्ब को देख लिया, यानी कि बी डू हैव को, बी डू हैव का मतलब है इज एम आर, वाज वर, ये जो हैज हैव, ये सब इनके अंदर आती है, और सेमी मॉडल्स को देख लिया, मेन मॉडल्स को देख लिया, तो ये सब इस तरह से आप इनका यूज करोगे। और हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक बात और, यदि अभी तक आपने एक अच्छा सा कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।